प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान के तहत कही गई बात, देवालय से पहले शौचालय का विरोध उनके ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हो रहा है। प्रधानमंत्री के सफाई अभियान का विरोध तब हुआ जब सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगे होर्डिंग पर पहले शौचालय फिर देवालय का स्लोगन लिखा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ लगी होर्डिंग को फाड़कर जला दिया। आशीष यादव, विभाग सह संयोजक, बजरंग दल, काशी विभाग। आज आप लोगों ने यहाँ क्या किया है? यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा हुआ था, जिस बैनर पंडित महेश चंद्र शर्मा जी का, जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के, और उन पे लिखा था देवालय से पहले शौचालय, जो बजरंग दल ने उसको फाड़ करके अपना विरोध प्रदर्शित किया। आखिर ऐसा क्यों, देवालय से पहले शौचालय बनाने की बात कर रही है? नहीं तो शौचालय अगर आप बताने की बात करते हैं तो घर से पहले शौचालय बनवाइए, ज्यादा मतलब ठीक लगता है। देवालय ही मिला है आपको तुलना करने के लिए, और कुछ नहीं मिला है? मंदिर पे वहाँ पे शौचालय बना दीजिए। शहर में और भी ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं तो आप? अगर इस तरीके की पोस्टर अभी तक सिर्फ यहीं पे लगी हुई है, जो बजरंग दल में तत्काल संज्ञान में लेते हुए इसको यहाँ से उखाड़ दिया। कल्याणपुर में बढ़ती चोरी की रोकथाम के लिए पुलिस को गश्त बढ़ाने का निवेदन देने वाले शिवसेना नगर सेविका के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाकर लाखों रुपए व सोने के आभूषण चुराकर रफू चक्कर हो गए। चोरी की इस घटना से परिसर में खलबली मच गई। हैरत की बात यह है कि पुलिस घटना स्थल पर 4 घंटे बाद पहुंची। मामला ऐसे है, मैं शनिवार को शादी के लिए यहाँ से फैमिली के साथ में पनवेल गया था, तो आज सुबह मुझे पता चला कि मेरे घर में चोरी हो गई है। तो वहाँ से आने के बाद देखा तो मेरे घर में 4 लाख रुपए कैश था और 13 तोला गहना था, और यहाँ सारी चोरी का बहुत सारा माहौल अभी इधर हो रहा है। इसके ऊपर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। अभी मैं यहाँ से एक साई बाबा नगर करके एक एरिया है, वहाँ से उनको मैं एक पत्रक भी दिया था उनको, और जाके मैं मिला था उनसे साहब से कि इधर बहुत सारी चोरी होती है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि यार पुलिस का प्रोटेक्शन बहुत कम है, तो अभी इसके ऊपर पुलिस ने थोड़ा सा दबाव लाके देखना चाहिए, अब देखना चाहिए इधर क्या हो रहा है क्या नहीं है। हुंगली सोमवार की दोपहर श्री रामपुर कॉलेज परिसर में जम के हंगामा हुआ। कॉलेज की यूनियन में सत्ता पे काबिज तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि SFI के कार्यकर्ता कॉलेज के छात्रों से भारतीय छात्र फेडरेशन के नाम पर जबरन 2 रुपए का चंदा काट रहे थे। TMCP के छात्रों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया एवं धक्का मुक्की में SFI समर्थक एवं छात्र शंख मंडल के जेब से गांजे की एक पुड़िया गिरी, जिसके बाद TMCP समर्थकों ने SFI के खिलाफ जम के नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ SFI ने सिरे से इन आरोपों को नाकार दिया। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में चड्डी बनियान गिरोह ने आतंक मचा रखा है। पहली बार इस गिरोह के 4 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आए। दोनों तरफ से हुई मुठभेड़ में एक चड्डी बनियान गिरोह का सदस्य घायल हुआ और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और कुछ 2:45 के आसपास थे वो लोग, जब मैंने देखा, जब बीट मास्टर लोग मेरे को बैठा था मैं, तभी वो लोग चिल्लाए मेरे को जाग रहा हूँ, हाँ सब जाग रहा हूँ, बस उतने करके अभी राउंड मारने जाऊँ तो पीछे देख रहा हूँ तो वो लोग भाग रहे थे, तो भाग रहे थे। जैसे मैं करीब जाने को तो वो लोग ने पत्थर मारना चालू किया, फिर मैं जोर जोर से चिल्लाया कि भाई पत्थर मार रहे, जो चोर घुस गए आ जाओ जल्दी आओ नीचे, तो द बिल्डिंग वाले नीचे उतरे और उसमें से 400 में वो लोग, में तुरंत एक लेडी थी उसने तुरंत फ़ोन किया, पुलिस वाले तुरंत आए और वो लेके गए, दिखाया मैंने ऐसा हो गया। उसी टाइम पे एक आदमी भागे ए विंग में, एक जन घायल करके गया, हम लोग वहाँ से भागे उधर पीछे ए विंग के साइड। शिवपुरी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सरकार द्वारा BPL के राशन कार्डों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि अपात्र लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, आदर्श ग्राम पंचायत सिरसों, जो कि इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गोद लिया है। उस गाँव में गरीबों के मकानों को चिन्हित कर एक अनोखी पहल की है। ये BPL परिवार इसलिए रखा है कि इन लोगों ने पैसा दे करके BPL बनवाए,
और गरीब लोगों के वास्तव में नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके मकानों पर लगा, जिनके मकानों पर लगा कम से कम 150-150। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और जिन लोगों के जो लोग बीपीएल कार्ड धारी है उनके घर के सामने लिखा है कि ये बीपीएल कार्ड धारी है, उनके कार्ड नंबर वगैरह सब दर्ज कराए हैं, इसके आधार पर वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि ये पात्र हैं अपात्र हैं। और ये कार्रवाई हमने ग्राम बार शुरू की है, तभी हाल ही में करेरा तहसील में ग्राम चिड़ियापुर उसके 207 बीपीएल कार्ड निरस्त किए। इसके साथ साथ जो लिखाने का जो दरवाजों पर लिखा गया है, घर के सामने लिखा गया है, उससे फ़ायदा ये हुआ कि लोग स्वयं आकर के अपना नाम कटवा रहे हैं कि हम चूँकि बीपीएल धारी नहीं है इसलिए हमारा नाम काट दिया। औरैया जनपद के ब्लॉक अछलदा के ग्राम भैसोल में एक 200 साल पुरानी हवेली में ऐसे राज दफन है जिसे वहां के स्थानीय लोगों ने बयां किया है। बताया जाता है कि इस हवेली के राजा और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद वहां दूसरे राजा का कब्जा हुआ, जिसके बाद उस हवेली में कई ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। लोग कहते हैं कि उसमें कानों हवेली बनी थी, उसमें जो कारीगर था उसको धक्का दे दिया था, वो मर गया, तो वो एक भूत बना है तो कोई लोगों को परेशान करता है, रात को कोई उसमें की हिम्मत नहीं करता है हवेली में, तो रात बड़ी डरावनी आवाज़ें आती हैं, रोशनी भी दिखाई पड़ती है कभी कभी थोड़ी थोड़ी। तो हम तो यहाँ अकेले पड़े हुए हैं, जो हमारे पास और कोई जरिया नहीं, बाहर खेती नहीं, एक ही धंधा हमारे पास खेती, इसलिए मजबूर यहाँ रह रहे हैं। तो हम सारे लोग जा रहे थे तो बहुत मतलब खतरनाक आवाज़ आई उधर, तो बदन सारे लोग मतलब बिहार बाजे वहाँ से, तो बाजे नहीं तो वहाँ पर मतलब जान चली जाती, यहाँ के बहुत मतलब सारे लोग आराम से बैठे। क्या इसके पहले भी आते हैं? हाँ जी, कई बार मतलब वहाँ पे एक दो लोगों की मौत हो गई है। वो लोग भी सब परेशान रहे बहुत ज़्यादा और जय कुमार सब यहाँ से छोड़ के चले गए, अब वो सब इटावा आने लगे। सिविल लाइन कोतवाली के शेरपुर गांव के पास एक निजी स्कूल प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच पानी की निकासी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गौरतलब है कि स्कूल के पास लंबे समय से जल भराव की समस्या बनी हुई है। स्कूल प्रबंधन ने लोक निर्माण विभाग की भूमि पर दीवार खड़ी करके जल निकासी रोक दी, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। त्यागी जी ने स्कूल बना रखा है, गाँव वालों का पानी इसकी वजह से रुका हुआ है और पानी जो पहले से गाँव वालों का इसके स्कूल के सामने को जो इसने लाल वो बनाया इसके साथ साथ निकलता था, जो सामने पुलिया बनी है विधायक सुरेश सिंह जैन ने बनाया था, जो जिला योजना से पैसा आया था, उसमें पानी निकलने के बाद उसकी बराबर में NH नेशनल हाईवे पर PWD की पुलिया बनी है, जिसके नीचे को पानी क्रॉस होकर आगे नदी में जाता था, लेकिन इसने त्यागी जी के स्कूल ने एंक्रोचमेंट करके गाँव वालों का पानी रोक दिया, इससे गाँव वाले बहुत परेशान है। ये शेरपुर गांव का मैटर है, इसमें रुड़की पब्लिक स्कूल पड़ता है, तो लोगों की गांव वालों की स्कूल वालों ने शायद निर्माण करके वहां पर पानी की निकासी रोक रखी है, लेकिन जब मौके पर देखकर ये देखा गया कि हाईवे वहां पर काफ़ी ऊंचा है तो पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वर्तमान में जो पानी भरा हुआ उसके लिए गाँव वालों से भी थोड़ा सहयोग की अपेक्षा की गई और स्कूल वालों से भी कि जो खाली प्लॉट है वहाँ पर पड़े हुए फिलहाल उनमें डाल दिया जाए, बाकी नगर निगम और PWD को ये आदेशित कर दिया है कि वो वहाँ पर जाकर के सर्वे करें और एस्टिमेट बना करके अंडरग्राउंड पाइप का एस्टिमेट बना के पानी की निकासी सुनिश्चित करेंगे। ये मामला बिजनौर का है, जहाँ सास बहू के झगड़े में भले ही बहू को जेल की हवा खानी पड़ी हो, लेकिन उसके बावजूद ससुराल पहुंची बहू को पति ने धक्के देकर दहलीज से बाहर निकाल दिया। वही पीड़ित बहू की तबीयत खराब होते ही इंसानियत के नाते पड़ोस के लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। खबर वायरल होते ही बिजनौर पुलिस हरकत में आई और फिर 12 जनवरी को पुलिस ने संगीता जैन को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में बिजनौर के थाना नटहोर में मामला दर्ज कर जेल में भेज दिया था। कि मुझे पॉकेट खर्चे के भी चाहिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे बहुत ही खर्चा भी चाहिए देखो, और ये तो मुझ पर सब झूठा इल्ज़ाम लगाने का, इनका एक चांस था इसे निकालने के लिए, बहुत षड्यंत्र रच रहे हैं ये सब लोग, मैं क्या करूँ बिना पैसे। अपने पति के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहती है? मैं चाहती हूँ कि इन्हें भी ऐसे होना चाहिए जैसे लड़की अपने माँ बापों को सबको छोड़ के आती है और उससे दहेज मांगा जाता है, उसके लिए दहेज मांग के घर में कटघरे में बंद करके रखा जाता है। जब एक लड़का किसी के घर जमाई बन के रहे तो पता चलता है कि किस तरह रहता है, और वो भी एक्सीडेंट होके वो भी भुलक्कड़ की तरह ऐसी रहे अनपढ़ के समान, और उसे भी इस तरह हालात रखते तो पता चलता है। नेटोर थाने का ये प्रकरण है और नेटोर कस्बे में पति पत्नी के बीच में पूर्व से ही विवाद चल रहा है, इस संबंध में पति के द्वारा माननीय न्यायालय में डाइवोर्स का मुकदमा
वो दायर किया गया है और दो कॉम्प्लेंट केसेस भी इसके अलावा जो है जो पति पक्ष है पति और उनके पिता दोनों के द्वारा दो कॉम्प्लेंट केसेस भी दायर किए गए हैं। एक NCR जो है महिला के द्वारा थाना नेटवर्क में पंजीकृत कराया गया था जिसमें पति और नौकर को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो अभी कुछ दिवस पूर्व जैसा कि आप लोग जानकारी है ये धारा 307 IPC के मामले में लेडी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और वहाँ से वो 26-27 दिन रह करके जेल में कल इनकी जमानत हुई है। जमानत होने के उपरांत आज मेरे द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया था। जो महिला का ये कहना है कि महिला वहाँ पर रहना चाहती है क्योंकि जो है अभी भी कानूनी तरीके से वो उसकी पत्नी है। थाने के कलवा नाका उद्यान का युग पुरुष नाना शंकर शेठ का नामकरण विधायक जितेंद्र आव्हाड जी के हाथों किया गया। समारोह में नाना शंकर शेठ के पोते सुरेंद्र शंकर शेठ, नगर सेवक मिलिंद पाटिल, मीनाक्षी पाटिल भी मौजूद थे। नाना शंकर शेठ जी ने मुंबई थाने के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपने नाना शंकर का नाम दे रहा है इसी तो फर्स्ट मैं सुन रहा हूं इनका ऐसे के यात्रा तो वाड़ी पर है उनकी तुले जो आपने जो जो लाइसेंस परमिशन जो टूल है उसले हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब आएगा तो काम शुरू हो जाएगा जब और एक 31 वापस उधर बांका शुरू करने का हो जाएगा लगभग 35-40 का की जरूरत है हम लोग कम होते कि इसी के समाज के अपना भाग और नाना कर सेट कर नाम सब के बारे में कहीं जरूरत ना नाम बढ़ा है और हलवा वसी चाह के ऐसे थुरुष कुछ हमारे आधे कुछ समय हलवा में इनका क्या होगा तो इन कलवा हमारा करके उठे ना उनका नाम जिस वास्तु को देना चाहिए ऐसी वास्तु में आओ जिस वास्तु अपन है वो है। रुड़की में खनन माफिया रात दिन नदियों से अवैध खनन करने में लगे हुए हैं लेकिन खनन माफियाओं में प्रशासन का कोई खोप नहीं है। प्रशासन ने खनन माफियाओं के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर 14 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज की है जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। में देखिए कुल मिला के 14 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ पकड़ी गई थी और रामपुर तिराहे की तरफ से हम लोगों ने छापा मारना शुरू किया था तो कुछ यूपी की तरफ से आ रहे थे कुछ रामपुर की तरफ से थे तो 14 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को इसमें सीज किया है उनका चलान किया गया। मरेला मिल में निर्माणाधीन जेल के भीतर बने हनुमान मंदिर को तोड़े जाने की सूचना पर भड़के हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और अकबरपुर शाहगंज रोड पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मरेला मिल में बना हनुमान मंदिर वर्षों पुराना है और स्थानीय लोगों की आस्था का प्रतीक है। धरना प्रदर्शन कर रहे थे हनुमान जी की एक मंदिर जेल के पास पे कहीं बनी है उसकी सुरक्षा के लिए हम और एडिसा साहब अभी उसको देखने जा रहे हैं। हमारे कहने से आप लोगों ने ये आंदोलन स्थगित कर दिया है धरना प्रदर्शन भी समाप्त कर दिया गया है तो ये भावना की बात है अभी हम उसको देख लेंगे और फिर उच्च अधिकारियों के साथ बैठ करके विमर्श करेंगे और जो आंदोलन में सम्मिलित थे उन लोगों को भी उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाएंगे और कोई रास्ता इसका बेस्ट जो हल होगा उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा। मेरठ पुलिस को एक बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया 10 टायर वाला ट्रक व घटना में प्रयुक्त हथियार और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है इसके बाद और खुलासा हो पाएगा। कल शाम को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी से एक कार से कुछ लुटेरे हैं बदमाश हैं जो ट्रक लूट का काम करते हैं ये SP क्राइम साहब को और CO क्राइम साहब को ये सूचना मिली थी। इस पर जोनल क्राइम की टीम और सरधना पुलिस दोनों ने चेक किया तो सरधना थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ के बाद लोग गिरफ्तार 5 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके पास ये लोग एक कार में सवार थे और इनके पास से एक आदमी जो ट्रक लेके जा रहा था वो ट्रक सरधना थाना क्षेत्र से ही लूटा हुआ था विगत दिनों तो वो ट्रक बरामद हुआ। इनके पास से अवैध असलहे मिले एवं अन्य ढेर सारी जानकारियां पुलिस को मिली हैं। इसमें से एक बदमाश सहारनपुर का रहने वाला है बाकी सिवाई खुर्द के हैं। कुछ और बदमाशों के नाम पता चले हैं जो मुजफ्फरनगर के हैं एवं अन्य आसपास के जनपदों के हैं जो इस तरह के काम करते हैं तो इनकी पूरी जो है
इनकी एक इंट्रोगेशन करके बाकी लोगों पर भी पुलिस कार्रवाई। सारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला होजखेड़ी में एक लाइनमैन 11,000 की लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया, जिसको स्थानीय लोगों की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जो ये लड़का है जिसके करंट लगा, ये लाइन पे काम कर रहा था और इसने सिट डाउन भी लिया था। गाँव के और भी 10 आदमी वहाँ खड़े थे उनके सामने, तो उनके उसके सिट डाउन के लेने के बावजूद भी उन्होंने लाइन चालू करी। जैसे ही उन्होंने लाइन चालू करी, इसका करंट लगा, आग लगते हुए नीचे गिरा। इसमें गलती जो है ना बिजली घर वालों की है, जो वहाँ से लाइन पर थे जी, उनका नाम तो हमें मालूम नहीं है क्या नाम है, पर बाकी जिनकी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी उनकी गलती है, उनकी लापरवाही है। इस लड़के ने जो है ना सिट डाउन लिया, उन्होंने सिट डाउन लेने के बाद भी जो है उन्होंने लाइन चालू करी। अभी लगभग जो है 1:30 बजे के आसपास एक प्रीतम नाम का युवक, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी, निवासी सुल्तानपुर धतौली देहात कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था, ये जैसा कि बताया गया हौजखेड़ी में लाइन पर काम करते वक्त इसको जो है 11,000 वोल्ट की जो है करंट इसके शरीर से पास हो गई और ये काफ़ी जला हुआ है। दोनों हाथ में काफ़ी जले हुए के बिजली के जले हुए के इसके निशान हैं और पीठ पर भी ये जला हुआ है। अलीगढ़ के थाना खेर क्षेत्र स्थित पलवल मार्ग पर पेटी डीलर की दुकान में रखा डीजल फटने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार टैंक फटने के बाद आग लग गई, जिसमें दुकान में कार्य कर रहे एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये चूंकि यहाँ बताया कि कोई चेयरमैन साहब है या उनकी दुकान है, हमें अभी जानकारी नहीं है, लेकिन दुकान पर कार्यरत था, कर्मचारी था और ये डीजल का जो ड्रम खोल रहा था उसी समय विस्फोट हुआ है, जिसके कारण इसकी मौत हो गई। कल शाम 100 नंबर पर फोन करके धमकी देने वाले सिर फिरे को हरिद्वार पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस सिर फिरे ने सोमवती अमावस्या के स्नान के मौके पर पुलिस को कॉल करके धमकी दी थी कि असला तैयार है, हरिद्वार उड़ाना है। इस फोन कॉल द्वारा दी गई धमकी को गंभीरता से लेते हुए IG अर्धकुंभ मेला GS मर्तोलिया द्वारा तत्काल अलर्ट जारी करते हुए मंगलवार सुबह इसे गिरफ्तार किया गया। मैंने कहा मैडम मुझे असला चाह रहा है, हरिद्वार उड़ाना बस। अच्छा, फिर उसने बोला मैडम ने कहाँ लगाया नंबर ये तुमने? मैंने कहा जी, उन्होंने कहा ये हम वहाँ से बोल ले थाने से ऐसे ऐसे बात, मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने दोबारा फ़ोन करा मैडम ने, मैंने कहा मैडम जी गलती से लग गया, मैं ऐसे काम करता नहीं है, वो आगे देख लो आप। फिर फोन काट दिया, फिर पुलिस वाले का फ़ोन आया, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा 16 नंबर पर फ़ोन कर दे, मैंने 16 नंबर पर फ़ोन करके फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। इस तरह की बात करने से नेचुरली हमको इमीडिएटली एक्टिव हो जाना चाहिए, पुलिस हमारी एक्टिव भी और पकड़ा गया है। अब वो कह रहा है कि साहब मुझसे गलती हुई, मेरे बच्चे ने फ़ोन कर दिया, यही मैंने 100 नंबर को दोबारा फ़ोन करके कहा, लेकिन ये बड़ी सेंसेशनल खबर है जिस तरह की नहीं करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सबक भी मिलना चाहिए ताकि दूसरा ऐसा नहीं। शिवपुरी शहर लगे लाल माटी व टोंगरा इलाके में बीमार होने पर बच्चों को दागने के मामले सामने आए हैं, जहां एक मामले में परिजनों ने तांत्रिकों के पास ले जाकर बच्चे पर दाग लगवाया है, वहीं दूसरी मामले में परिजनों के कहने पर मां ने स्वयं अपने बच्चे को गर्म सुई से दागा है। दोनों ही बच्चे अब जिला चिकित्सालय में भर्ती है और खतरे से बाहर है। हमारे जो बड़े लोग बूढ़े दाग रहे हैं घर के, न सास है ससुर है, आदमी नहीं क्या? तो तुमने काय से दागा? सूज से। कितने महीने का है? 4-5 महीने। उसके बाद बीमार हो गए? नहीं भाई, पर बका चढ़िया से हाल में वो भाई भाई की कहने से लगा। कौन भाई? हमारी समाज है। आप तुम्हारी समाज के मोहल्ले में ही रहती है? हाँ, आप भी गांव की आती थी, वो मेरे घर में आई तो पाना कह रही कि ले जाओ। उसके बाद अगवा सही हो गया जो उसके बाद? नहीं, और बीमार हो गया। कोई तांत्रिक था वहाँ पे? है कोई तांत्रिक ना दागा है? तांत्रिक था, बाबा था? हाँ, बाबा था उसने दागा। काय से दागा? बस ऐसी बहुत तार से थे दागा। ये आदिवासी बच्चे हैं और जो दूरस्थ स्थल हैं जिनमें आदिवासी भाई अपने पुराने पारंपरिक तरीके से रहते हैं, तो वो
तात्कालिक उपचार के लिए अपनी पारंपरिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए उन्हें जो बीमारी है उसका उपचार होगा, दोनों बच्चे ठीक हो जाएंगे। हुंगली सेवड़ा पुली जीआरपी ने श्रीरामपुर और सेवड़ा पुली के बीच रेलवे लाइन से एक शव बरामद किया है। शव की शिनाख्त अनाथ राव के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति श्रीरामपुर के राम सीता लेन का निवासी बताया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक अनाथ श्रीरामपुर इंडिया जूट मिल का मजदूर था। आप लोग कौन से काम यहाँ कर रहा हो, वहाँ से सरकारने कहीं और लगाया, वहाँ भी सरकारने क्या करेगा, जहाँ काम करने लगा वहाँ से हटा के दूसरे जगह लगाया। उसमें जितने कारीगर है काम करने वाला सबका ऊपर वही हाल है। तो आज एक किया कल दो करेगा कल चार करेगा,